वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग इस वीडियो में पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में सीखेंगे। तो क्वेश्चंस है, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ स्पीच? पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हैं? तो उसका आंसर है, पार्ट्स ऑफ स्पीच डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स बेस्ड ऑन देयर फंक्शन एंड रिफर्स टू द सर्टेन डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच को उसके काम के अखबार से 8 हिस्सों में बांट दी गई है। वर्ड्स के इन्हीं अलग अलग किस्मों को ही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक ऐसी सेंटेंस के बारे में बताने वाला हूँ जिसमें पूरे 8 हिस्सा पार्ट्स ऑफ स्पीच का शामिल है। तो इसको जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए हम लोग अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो खास और एक नंबर में जो आता है नाउन, उसके बारे में, उसकी डेफिनेशन के बारे सिर्फ अभी जानेंगे। तो नाउन वर्ड को लैटिन वर्ड नोमेंस से ली गई है। नाउन को सबसे पहले 14th सेंचुरी में डिफाइंड किया गया था। तो शायद पहले आप नाउन की डेफिनेशन को कुछ इस तरह से याद किए होंगे, चाहे वह स्कूल से हो, कॉलेज से हो या फिर कोचिंग सेंटर से हो। अ नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग इज कॉल्ड नाउन। नाउन उसे कहते हैं जो किसी जगह, शख्स या चीज़ के बारे में समझा जाए, उसे हम लोग नाउन कहते हैं। मैं ये नहीं कहता कि फ्रेंड्स ये गलत है, पर यह मुकम्मल डेफिनेशन नहीं है। तो उसको जानने के लिए, यानी उसकी मुकम्मल डेफिनेशन जानने के लिए वीडियो को स्किप यानी छोड़ छोड़ कर ना देखें। और अगर वीडियो को छोड़ छोड़ कर देखते हैं तो प्लीज़ वीडियो को ही ना देखें। और अगर एक मुकम्मल जानकारी यानी फुल कंसेप्ट चाहते हैं तो फिर वीडियो के आखिर तक बने रहें। डेफिनेशन ऑफ नाउन, अ वर्ड दैट इज़ द नेम ऑफ सम थिंग्स सच एज अ पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग, आइडिया, क्वालिटी एंड एक्शन इज कॉल्ड नाउन। किसी भी नाम को नाउन कहते हैं, चाहे वह आदमी का हो, जानवर, जगह, चीज, आइडिया, हॉबी, अमल वगैरह को ही नाउन कहते हैं। एज एग्जाम्पल, बाबा, वाटर, हैप्पीनेस एंड ऑनेस्टी इटिसी। इसका दूसरा हिस्सा है प्रोनाउन। प्रोनाउन वर्ड को लैटिन वर्ड प्रोनोमिन से ली गई है। इसको भी आप कुछ इस तरह से याद किए होंगे, प्रोनाउन इज द वर्ड विच इज यूज्ड और रिप्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। फिर से मैं यह कहना चाहूँगा कि ये डेफिनेशन भी मुकम्मल नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि नाउन के जगह में जो वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं उसे प्रोनाउन कहते हैं। पर क्यों इस्तेमाल करते हैं इसके बारे में जानकारी नहीं मिलती है। तो चलिए इसकी सही डेफिनेशन को जानते हैं। डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन आर वर्ड्स दैट टेक द प्लेस ऑफ नाउन सो वी डोंट रिपीट द सेम नाउन ओवर एंड ओवर इन अ सेंटेंस। प्रोनाउन्स वो अल्फाज हैं जो नाउन की जगह लेते हैं ताकि हम लोग एक जुमला में, एक सेंटेंस में नाउन को बार बार ना दोहराएं, इसे प्रोनाउंस कहते हैं। और अगर इन शॉर्ट में समझना है तो देखिए, प्रोनाउन, PRONOUN, नाउन, प्रो का माने था बदले, नाउन को नाम। तो नाम के बदले में जो अल्फाज इस्तेमाल हो, जो वर्ड इस्तेमाल हो, उसे प्रोनाउन कहते हैं। लेकिन इस डेफिनेशन से क्लैरिफाई नहीं होती है। अगर फुल कंसेप्ट करनी है तो शॉर्टकट ना मारें। सॉरी, वीडियो लंबी हो रही है। तो आप कौन सा डेफिनेशन को क्या याद रखे हैं या आप अच्छी तरह से जानते हैं लेकिन गलत नहीं है। इस वीडियो में फिर भी कुछ नया मिलने वाला है। वर्ब वर्ड को लैटिन वर्ड वर्बम से ली गई है। डेफिनेशन ऑफ वर्ब, वर्ब्स आर द एक्शन वर्ड्स इन अ सेंटेंस दैट डिस्क्राइब व्हाट द सब्जेक्ट्स इज डूइंग इज कॉल्ड वर्ब।
वह यह बयान करते हैं कि सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा काम यानी अमल करते हैं उसे ही वर्ब कहते हैं। एज एग्जाम्पल, रीड, स्पीक, वॉच एंड राइट एटीसी। और अगर फ्रेंड्स चैनल में नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो नंबर 4, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव वर्ड को लैटिन वर्ड एडजेक्टिव से ली गई है। डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द क्वालिटीज ऑफ नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन के क्वालिटीज यानी अच्छाई या बुराई को बयान करती है। एग्जाम्पल, गुड, अगली, ब्यूटी एंड बिग, शॉर्ट, इटीसी। नंबर 5, एडवर्ब। एडवर्ब को लैटिन वर्ड एडवर्बियम से ली गई है। डेफिनेशन ऑफ एडवर्ब, एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ अ वर्ड एंड एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब। एडवर्ब ऑफन एंड विद ly। एडवर्ब वो वर्ब्स या वर्ड्स है जो वर्ब एडजेक्टिव और दूसरे एडवर्ब में तब्दील करती है उसे एडवर्ब कहते हैं। badly, loudly, slowly, etc. नंबर 6, preposition। preposition वर्ड को लैटिन वर्ड preponere से ली गई है। डेफिनेशन ऑफ preposition, अ preposition इज बेसिकली अ वर्ड दैट इज यूज टू लिंक नाउन्स, प्रोनाउन्स और फ्रेज टू अनदर वर्ड्स विद इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड preposition। preposition बुनियादी तौर पर एक ऐसा जुमला है जो नाउन, प्रोनाउन और फ्रेजेज को दूसरे जुमला यानी सेंटेंस के साथ जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसे preposition कहते हैं। एज एग्जाम्पल, इन, ऑन, अबव, एटीसी। नंबर 7, कंजंक्शन। कंजंक्शन वर्ड को लैटिन वर्ड कंजंक्शन से ली गई है। डेफिनेशन ऑफ कंजंक्शन, कंजंक्शन आर जॉइनिंग वर्ड्स द यूज टू जॉइन वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स टुगेदर इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड कंजंक्शन। कंजंक्शन ये वो लफ्ज़ है जो वर्ड्स और फ्रेज को एक साथ जोड़ने का काम करता है उसे कंजंक्शन कहते हैं। एज एग्जाम्पल, बट, एंड और इटीसी। नंबर 8, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन वर्ड को लैटिन वर्ड इंटरजेसरी से ली गई है। डेफिनेशन ऑफ इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच इज सडन एक्सप्रेस इमोशन एंड चेयरफुलनेस इज कॉल्ड इंटरजेक्शन। यह वो अल्फाज है जिसे सुनकर अचानक खुशी या गम का इजहार होता है उसे इंटरजेक्शन कहते हैं। एज एग्जाम्पल, वाओ, उफ, हुर्रा, एटीसी। तो चलिए वो खास सेंटेंस जिसका बेसब्री से इंतजार था वह जुमला आपके सामने। वाओ, राम एंड हिज गर्लफ्रेंड आर मेरली enjoying their first date in Paris. अब यहाँ देखिए noun, Ram, girlfriend, date, Paris, ये noun हो गया। pronoun, his, their, ये pronoun हो गया। verb, are enjoying, ये verb हो गया। adjective, first या adjective हो गया। merely, देखिए इसमें ly से वो ख़त्म हुआ है वर्ड तो एडवर्ब हो गया। preposition, इन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन, वाओ। फ्रेंड्स पार्ट्स ऑफ स्पीच के हर एक पार्ट्स को जैसे नाउन, प्रोनाउन, इसी तरह पूरे 8 हिस्सों को
फुल कंसेप्ट के साथ और उसके टाइप्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में मालूम हासिल करते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।